बीजेपी ने कहा है कि पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक एक साजिश का हिस्सा था। इसका खुलासा पंजाब सीआईटी के एक डीएसपी ने किया है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने रांची में प्रेस वार्ता की। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कांग्रेस के इशारे पर हुआ था। दीपक प्रकाश ने सिमडेगा की घटना की सीबीआई जांच की मांग की है। किसी कोई व्यक्ति का नहीं होता, कोई राजनीतिक दल का भी नहीं होता, प्रधानमंत्री भारत का होता है। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी की यात्रा पंजाब में 5 जनवरी को हुई थी और जिस प्रकार से वहाँ के कांग्रेस की सरकार ने उनके सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, इससे पूरी देश की 130 करोड़ जनता स्तब्ध हो गई। सिमडेगा जाकर देखिए, हृदय विदारक घटना घटी, हृदय विदारक घटना। कल उसकी पत्नी आई थी, उसकी बहन आई थी, उसकी माँ आई थी, हमारे आंख से आंसू ही नहीं निकले, बल्कि आत्मा भी रोने का काम किया कल। कि सभ्य समाज में आज भी पकड़ करके जिंदा जला देने का काम। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।